राजधानी देहरादून में सफाई व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद डोर टू डोर कूड़ा उठाने के कार्यों में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। नगर निगम भी इस मामले को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर कूड़ा उठान की व्यवस्थाएं सही की जा रही है। इसमें जो लोग निर्धारित स्थान पर कूड़ा नहीं डाल रहे हैं या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है, अगर वह भी लापरवाही बरत रही है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सर, अगर बात करें शहर में कूड़ा उठान को लेकर, तो जो है लगातार कार्रवाई हो रही है, ड्यूमानल जो है लगातार इस तरह से कार्य करने वाला है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर, उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से ना उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन ना होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जा रही है।